टेराकोटा के बाद अब रेडीमेड गारमेंट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के दूसरे प्रोडक्ट रूप में शामिल करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। संस्तुति मिलते ही रेडीमेड गारमेंट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल कर लिया जाएगा, जिसके संबंध में उपायुक्त उद्योग राजकुमार सिंह ने बताया कि टेराकोटा की सीमित दायरा होने के कारण रेडीमेड गारमेंट को सेकेंड प्रोडक्ट के रूप में शामिल करने की योजना बनाई गई है। शासन से संस्तुति मिलते ही इसे एक जनपद एक उत्पाद के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। इससे जहां रोजगार का दायरा बढ़ेगा, वहीं कामगारों को भी रोजगार मुहैया हो सकेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उपायुक्त उद्योग राजकुमार सिंह ने कहा, हाँ जैसा कि जो है कि पूर्व में ही जो है कि हम लोगों ने अध्ययन किया, जनपद गोरखपुर में जो है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है और इस क्षेत्र में जो है कि अपार रोजगार की संभावनाएं हैं। जो है इस पे हम लोग अध्ययन करने के पश्चात इस निर्णय पर पहुँचे कि इसको हम लोग एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत जो है द्वितीय उत्पाद के रूप में चयन करा करके इस क्षेत्र को जो है अधिक से अधिक प्रोत्साहित करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार का सृजन कराया जाए। इसमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा व्यापार है, इसमें कम से कम जो है कि 5,000 से ऊपर तक के लोग रोज़गार में संलग्न हैं और द्वितीय प्रोडक्ट के रूप में ऐड होने के बाद इसमें और भी रोज़गार का ज़्यादा से ज़्यादा सृजन किया जाएगा। जो है हाँ, जनपद गोरखपुर में टेराकोटा प्रोडक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है और इसमें जो है कि इसके सीमित पॉकेट्स हैं। जो है जैसे गुलहरिया है, औरंगाबाद है, जंगल एकलाटू है, पादरी बाज़ार है, भटहट है, इस तरह से जनपद में इसके सीमित पॉकेट्स हैं। जो है तो इसमें छोटे छोटे उद्यमी जो है कि इसमें लगे हुए हैं, कारीगर लगे हुए हैं, जो है हस्तशिल्पी जो है इसमें काम करते हैं और इनको प्रशिक्षण दे करके जो है कि इनको वित्तीय सहायता भी हम लोगों ने प्रोत्साहित किया प्राप्त करने के लिए। लोग कर भी रहे हैं लेकिन छोटे छोटे लोन के लिए जो अप्लाई करते हैं जो है, तो ऐसे में जो है कि हम लोगों ने ये महसूस किया कि इसमें द्वितीय प्रोडक्ट जो है कि ये अभी ऐड किया जाए, तो इसमें हम लोगों ने रेडीमेड गारमेंट्स को जो है कि ऐड करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें जो प्रवासी मजदूर आए हैं, जो कामगार हैं, कुशल श्रमिक हैं, उसमें उनको भी चिन्हित किया गया कि उनको रोजगार इस तरह या उनको लोन दिया जाएगा? हाँ, उनको भी हम लोगों ने चिन्हित किया है। हमारे यहाँ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है और SC ST सब प्लान है और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने चिन्हित करके जो है प्रवासी भारतीयों जो लौट करके आए हैं अपने अन्य जनपदों से जो है उनको भी हम लोग इसमें रोजगार दिला रहे हैं।